मेवाड़ के चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये दो जना जीत गए हैं, चुनाव लड़ते हैं ना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल हमारे साथ है इस समय, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि निकाय चुनाव जो आने वाले हैं उसमें किस तरह की रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की है, किस तरह जीतने को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह देख रहे हैं। देखिए, नगर निगम उदयपुर के चुनाव हैं और उस सिलसिले में ही गुलाब जी भाई साहब ने कहा कि एक कार्यक्रम आपका उदयपुर होना चाहिए। प्रदेश की जब टीम बैठी थी वहीं तय कर दिया था उन्होंने, तो इस कारण मैं आज उदयपुर में हूँ। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि मैंने काफ़ी लोगों से जानकारी ली है, इंक्वायरी भी करी है, फोन पे व्यक्तिगत भी। उदयपुर नगर निगम में बीजेपी का बोर्ड बनना तय है और अच्छे बहुमत से बनेगा। कुछ लोग तो 55 पार कह रहे हैं, कुछ 60 पार कह रहे हैं, यहाँ तक की संभावनाएँ हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो पहले हमारा बोर्ड रहा है उसने भी बहुत शानदार काम किया है, चाहे पार्किंग प्रॉब्लम को हल करने का विषय हो, चाहे रेलवे के साथ पीपीपी मॉडल पे काम करने का विषय हो, चाहे हेरिटेज के विकास का विषय हो, शहर के सौंदर्यकरण का विषय हो, स्वच्छ भारत मिशन में काम करने का विषय हो। नगर निगम उदयपुर ने अपने माइलस्टोन तय किए हैं जी, इसलिए मुझे लगता है कि उदयपुर की जनता हमें आशीर्वाद देगी, पुनः आशीर्वाद देगी। प्रदेश में आप अलग अलग जगह जाके आ रहे हैं, कितना उत्साह देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में? मुझे लगता है कि 49 नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में चुनाव है इस समय 16 नवंबर को, और सब जगह उत्साह है। शेखावटी के क्षेत्र में भी मैं गया, वहाँ भी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी अधिकांश जगह पे अपने बोर्ड बनाएगी। आपको लगता है क्या स्थानीय मुद्दों के अलावा राष्ट्रीयता का जो मुद्दा है वो हावी रहने वाला है इस बार? देखिए, हर चुनाव में सारे मुद्दे रहते हैं, स्थानीय मुद्दे भी रहते हैं और जो तत्कालीन मुद्दे आते हैं वो मुद्दे भी चुनाव का हिस्सा रहते हैं, क्योंकि हम समाज जीवन में जीते हैं। अब राम जन्मभूमि का निर्णय आया तो ये चर्चा का विषय भी है। 370 प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने जम्मू कश्मीर से हटाया, ये मुद्दा भी चर्चा का विषय भी है और चुनाव में भी रहता है। अच्छे काम केंद्र सरकार ने किए, ये मुद्दा भी रहता है। राज्य सरकार कन्फ्यूज रही, काम कर नहीं पाई और जो वादे किए उसको भी निभा नहीं पाई, ये मुद्दा भी रहता है। नगर निगम उदयपुर ने अच्छा काम किया, ये मुद्दा भी रहेगा चुनाव में। हमारे साथ इस समय राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि निकाय चुनाव में वो जगह जगह घूम रहे हैं, किस तरह का उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, कितनी सीटों का दावा आप करते हैं। जी भाई साहब, वो अब तक क्या था कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वो हमारे लिए बहुत कमज़ोर क्षेत्र समझे जाते थे, पर अब की बार लगभग वहाँ भी हम मुकाबले की टक्कर दे रहे हैं। अब ये तो नहीं कह सकते हम 100% वहाँ जीते हुए हैं, लेकिन अब की बार सामने वाले को भी ये एहसास हो रहा है कि पहली बार इन वार्डों में कोई टक्कर देने वाली ताकत आगे खड़ी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि हम 60 और 60 से ऊपर निकल जाएँ तो उदयपुर की जनता को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उदयपुर संभाग में भी आप कई जिलों में जा रहे हैं जहाँ पे निकाय चुनाव है, वहाँ पर किस तरह का रेस्पॉन्स देख रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि अब तक मैं जहाँ गया हूँ, चित्तौड़ गया हूँ, मैं गढ़ी प्रतापपुर गया हूँ, बांसवाड़ा गया हूँ, उदयपुर गया हूँ और कानोट शायद कल जाऊँगा तो वहाँ देखेंगे। अभी तक जो मैं गया ये सब बीजेपी की आ रही है, इसमें किसी को कोई डाउट होने का सवाल ही नहीं। उदयपुर में क्या 70 में से कितना दबाव आपका? मेरा अंदाज है अब की बार जिस प्रकार से जो हमारे कमज़ोर वार्ड हैं, क्योंकि यहाँ 7-8 वार्ड वोटों की पैटर्न के दृष्टि से हम काफ़ी कमज़ोर पड़ते हैं, लेकिन अब की बार उसमें से भी हम आधे ले लेंगे और हम 60 और 60 से ऊपर निकल जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा। देखिए, ये थे राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया, जिन्होंने दावा किया कि 60 से ज़्यादा वार्ड जो है वो बीजेपी इस बार जीतने वाली है। जिला अध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली भी हमारे साथ हैं। जी भाई साहब, आप लगातार वार्डों का दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है किस तरह का रिस्पॉन्स? बहुत अच्छी स्थिति है और मेरा मानना है कि हम 60 से भी अधिक वार्ड जीतेंगे। कुछ जगह पर जो टफ कंपटीशन नज़र आ रहा है उसमें भी समझाइश कराकर और लोगों का रुझान है, क्योंकि पिछले 5 बोर्डों में जिस प्रकार से विकास के कार्य हुए हैं, मेरा मानना है इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा। निर्दलीयों को आप मनाने में कामयाब हुए हैं, कुछ जगह हैं निर्दलीय, किस तरह की रणनीति है? निर्दलीयों को मना रहे हैं और सभी प्रकार के प्रयास हो रहे हैं और जनता भी जानती है कि हमारा वोट निर्दलीयों के लिए सफलीभूत होगा अथवा जो पार्टी का प्रत्याशी उसको हम चुनेंगे तो
तो हमारे कितने विकास के कार्य करवा सकेगा। इसलिए जनता बहुत समझदार है और उदयपुर का इतिहास रहा है कि जो विकास के कार्य हुए हैं उदयपुर में पांचों बोर्डों के अंदर, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपना बोर्ड बनाकर आदरणीय कटारे साहब के मार्गदर्शन में हम विजयी बनेंगे। उदयपुर के महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी भी हमारे साथ हैं जी। सब निकाय चुनाव हैं, पिछली बार आपने 5 साल यहाँ पर कार्य किया है, क्या लगता है कितना आप संतुष्ट हैं और कितना आपको रेस्पॉन्स मिल रहा है वार्डों के अंदर? वास्तव में ये जो 6ठा वार्ड का हमारा चुनाव है, उदयपुर के जो ऐतिहासिक विकास के काम हुए हैं इसी आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। न भूतों न भविष्यति कह सकता हूँ मैं, क्योंकि जितना बजट लगभग आज शहर में 2000 करोड़ के काम चल रहे हैं और ये आगे भी कहीं आसान नहीं है, तो जो शहर का विकास हो रहा है आगे एक वर्ष पश्चात इसके परिणाम देखेंगे, परंतु जो लोग लर्नेड हैं, समझदार हैं, दूरदृष्टि और समझते हैं कि जो काम चल रहे हैं इसके लिए बहुत ऐतिहासिक काम शहर के लिए हैं, और इसलिए जनता लगातार जैसा अभी सभी प्रवक्ताओं ने भी कहा हमारे साथ है और लगभग 60 वार्ड 70 से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सभी जो नेता हैं उनका सिर्फ एक ही दावा है कि 70 में से 60 बार जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। उदयपुर नगर निगम के चुनाव में जिस तरह उत्साह नज़र आ रहा है, पिछली बार 5 बार भारतीय जनता पार्टी ने वोट बढ़ाया और अब की बार भी 6ठी बार वोट भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी। हम सभी कार्यकर्ता के रूप में हर वार्ड में जाकर के काम कर रहे हैं और जिस वार्ड में काम कर रहे वहाँ का उत्साह भी अच्छा नज़र आ रहा है। देश में जिस तरह 370 और 35 ए हट्टी और देश में राम मंदिर का जो मुद्दा था उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट के माध्यम से अयोध्या में मंदिर बनाने का निर्णय लिया और आज जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बहुत अच्छा माहौल नज़र आ रहा है और हमें भी हर को वार्ड की जिम्मेदारी दी और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ वार्ड जीतने का पूरा हमें विश्वास है और आने वाले समय में 19 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी 55 सीट से ज़्यादा सीट लेकर के आएगी। मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान तखत सिंह जी साहब से, गिरवा प्रधान साहब हैं आप अपनी बात कहें। तखत सिंह सख्तावत, प्रधान गिरवा, वर्तमान में बूथ प्रभारी उदयपुर शहर। हमारे उदयपुर शहर के 70 वार्ड है, उसकी सारी मॉनिटरिंग इस कार्यालय से हो रही है। हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ सुशील जी के नेतृत्व में लगे हुए हैं और 70 में से मैं ये कह सकता हूँ कि 60-65 वार्ड हम चुनाव जीतेंगे और पूरा हमारे देहात जिले के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको हरेक को प्रत्येक वार्ड में लगाया है, वो भी सारे वार्डों में अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि विगत बोर्डों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम करवाया। जिस तरीके से देश में आज प्रधानमंत्री नाम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी उदयपुर शहर में काम करके नाम करेंगे। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे देहात जिला अध्यक्ष भंवर सिंह जी भंवर से, जो शहर के नगर निगम के वार्ड भी देख रहे हैं और कानोड नगर निगम के भी वार्ड कानोड नगर पालिका के वार्ड भी देख रहे हैं, वह अपनी बात कहें। आज बहुत खुशी की बात है कि मेरे को मेवाड़ के बिल ने बोलने का मौका दिया और हमारे यहाँ पे जो जिम्मेदारी दी गई और आज जो हम बैठ करके ये टेबल वर्क कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। और जो उदयपुर में मेरे को भी 8 और 10 नंबर वार्ड दिया है, जो हर्ष पैलेस और उधर हरिदास जी मंगरी और उधर पड़ता है मल्ला तले साइड में, और वास्तव में जो गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने ऐतिहासिक काम हमारे उदयपुर के लिए जो किया है, जो पानी लाने का काम आकोदला डैम से, वास्तव में जो गर्मियों के दिनों में भी अभी जाने वाले टाइम गर्मियों में भी 1.5 मीटर पानी हमारे उदयपुर को दिया, वो ऐतिहासिक काम किया। और हमारे जाड़ोल की जनता के लिए जो गुलाब चंद जी कटारिया ने एक ऐतिहासिक 750 करोड़ की जो रोड बनाई, इसलिए मैं उस एरिया के सभी क्षेत्रवासियों को कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अपने जो वोट देने के लिए पूरी अपील कर रहा हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। और मेरे को जिम्मेदारी कानोड के लिए मिली है पूरी, और तो कानोड में मैंने जो काम किया है उसमें मेरे अर्जुन लाल जी जिणगर साहब हैं, मैं हूँ, सीपी जोशी साहब हैं और माननीय गुलाब चंद जी कटारिया कल हमारा 13 तारीख को 1 से 4 बजे के बीच में हमारा मीटिंग लेंगे, वो भी हमारे कानोड में पधारेंगे। कानोड का अच्छा माहौल है, सभी वहाँ पर हमारे फुल सीटें जीतने की पूरी उम्मीद है हमारे को। जय भारत। अब मेवाड़ चैनल की तरफ से जो सहयोग मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको, आपके चैनल के बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।